बड़वानी जिले में विश्व आदिवासी अधिकार दिवस पर आज समाजजनों ने पुराने कलेक्टोरेट के सामने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मांग की है कि संयुक्त राज्य संघ ने सन 2007 में आज का दिन आदिवासी समाज के मौलिक अधिकारों को देखते हुए विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया, लेकिन समाज आज भी पीड़ित और प्रताड़ित है। कोरोना के चलते हाल ही में लोगों को अन्य राज्यों से मजदूरी छोड़ अपने अपने घरों को लौटे हैं, लेकिन आज उनके पास कोई काम नहीं। वन अधिकारी नियम में भी सही लाभ नहीं दिया जा रहा है। शासन योजनाएं तो संचालित करता है, लेकिन समाज तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। हमारा आज मुख्य रूप से एक जो ज्ञापन है कि 2007 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में आज घोषित किया है, और उसमें बहुत सारी बातें संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोली गई है कि पूरे विश्व के आदिवासियों की उन्नति और विकास के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हो कि भारत के अंदर आदिवासी की संख्या बहुतायत में होने के बावजूद भी सबसे पिछड़ा जो कोई समाज है तो आदिवासी समाज है, और हमारे संविधान में भी आदिवासियों के लिए बहुत सारे अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जिसमें 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और माड़ा और क्लस्टर ग्राम, ऐसी सब ग्राम सभा सबकी बात है। लेकिन आप देखेंगे कि वो सिर्फ संविधान अधिकार के रूप में सिर्फ किताबों में है, ज़मीनी धरातल पर उसको उतारा नहीं गया है। आज आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आप देखिए कि जैसे अभी कोरोना महामारी हुई है, इसमें मजदूर सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग का था, जो पूरे प्रदेश में एक दूसरे से राज्यों में से पलायित होकर अपने घर पहुंचा, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी कोई देखरेख नहीं की, ना कोई उनके लिए कोई व्यवस्था की। आज भी वो अपने मूल गाँवों में जाने के बाद किस प्रकार से बेरोजगारी भुखमरी का सामना कर रहे हैं, शासन उनसे और ध्यान नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार ने जो राहत की घोषणा की वो सिर्फ ब्याज देने और लोगों को लोन देने की बात की गई है, जिसमें उस लोन का फ़ायदा मध्यम वर्गीय व्यापारियों को जरूर मिलेगा, लेकिन सीधे रूप से किसी भी जो जिनको आवश्यकता थी उस समाज के पिछड़े और वंचित लोगों के लिए कहीं से कहीं तक उसमें राहत पैकेज नहीं दिया गया। साथ में हमारा ये है कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का पालन सभी ट्राइबल क्षेत्र में किया जाना चाहिए, और सरकार ने जो आदिवासी अधिसूचित क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का शीघ्र गठन करके उस क्षेत्र का समुचित डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। जैसे वनों पर अधिकार और वनों पर जो संपदा है वन संपदा, उस पर भी पूरा अधिकार देने की बात की गई, लेकिन आज देखें तो लोग दर दर भटक रहे हैं। तो वन संपदा और वनों का शोषण बाहरी लोग द्वारा किया जा रहा है, और उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को उसका कोई लाभ मिल नहीं रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।